हेलो गाइस, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया वैकेंसी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि मुख्यमंत्री गहलोत के द्वारा एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एक नई भर्ती की घोषणा की गई है। देखिए क्या खबर है पूरी जानकारी। 2 वर्षों में पुलिस कांस्टेबल के 8,438 पदों पर भर्ती होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गृह विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी दी। वर्ष 2022 और 23 के दौरान इन पदों पर भर्ती के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी। 2021 और 22 के दौरान कांस्टेबल के पोस्ट होगी 4,438 पदों पर भर्ती और 2022-23 के दौरान कांस्टेबल के 4,000 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। जयपुर स्थित पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड राजस्थान सरकार द्वारा की जाएगी। वर्तमान पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 5,438 पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन। चालान गार्ड के 438 अन्य पदों का सृजन कर नई भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी जा चुकी है। तो यह है न्यूज़, नई कांस्टेबल भर्ती की घोषणा की है, लेकिन आपको 4,000 पोस्टों पर भर्ती होगी। दूसरी बार फिर 4,000 पोस्टों, इसलिए सभी विद्यार्थियों को यह सरकार से मांग करनी चाहिए कि एक बड़ी भर्ती की जाए, क्योंकि 4,000 पोस्टों पर अगर फिर वर्गीकरण पोस्टों का किया जाएगा तो पिछली भर्ती की तरह ही होगा। इसलिए सभी मांग करें कि हमें बड़ी भर्ती दी जाए, 8,000 की भर्ती एक साथ दी जाए। बार बार फीस भरना सरकार लूटने का ही जरिया आ रहा है। इसलिए धन्यवाद साथियों, ये थी आपका सबके लिए खबर। मिलते हैं नई जानकारी के साथ।